प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेग तथा त्वरण यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी में रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन यानी अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण क्या होते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान है और किसी समय टी पर उसकी स्थिति पी बिंदु पर है। पी के निर्देशांक आर थीटा ले लेते हैं और किसी समय टी प्लस डेल्टा टी पर उसी कण की स्थिति क्यू पर है। क्यू के निर्देशांक आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो रेडियल वेलोसिटी का तात्पर्य हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियस वेक्टर। यहाँ पे ओपी हमारा रेडियस वेक्टर है। तो रेडियल वेलोसिटी यानी अरीय वेग, अरीय वेग की परिभाषा हुई कि ध्रुवांतर रेखा की तरफ विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब ध्रुवांतर रेखा की तरफ विस्थापन चित्रानुसार पीएम दिख रहा है। यहाँ हमने ओपी जो ध्रुवांतर रेखा थी उस पर क्यू से लंब डाला और ये हमें यहाँ पर पीएम विस्थापन नज़र आ रहा है। तो ध्रुवांतर रेखा की तरफ विस्थापन में परिवर्तन की दर की परिभाषा से हमारे पास अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला प्राप्त हुआ। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पीएम अपॉन डेल्टा टी। पीएम को हम चित्रानुसार ओएम माइनस ओपी लिख सकते हैं और त्रिभुज ओक्यूएम एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे हम ओएम का मान निकालें तो हमारे पास है आर प्लस डेल्टा आर कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। ओपी है आर, तो ये मान हमने इस फॉर्मूले में रख दिए हैं। तो हमारे पास यू का मान आ गया। यू यानी अरीय वेग को हम सिम्बॉलिकली यू नाम दे देते हैं। यू इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। नाउ फॉर स्मॉल वैल्यूज यानी बहुत छोटे मानों के लिए हमारे पास कॉस ऑफ डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और जब हम इसकी गणना करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है डी आर बाई डी टी यानी आर डॉट। तो इसका मतलब रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू हुई आर डॉट। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करें तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी की परिभाषा हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर यानी ध्रुवांतर रेखा के लंबवत विस्थापन में परिवर्तन की दर। एक बार फिर चित्र की तरफ ध्यान दें तो ध्रुवांतर रेखा के लंबवत विस्थापन हमें QM नज़र आ रहा है। तो परिभाषा अनुसार यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी अनुप्रस्थ वेग सिम्बॉलिकली V ले लेते हैं। तो परिभाषा अनुसार यहाँ आया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो QM अपॉन डेल्टा टी। फिर उसी राइट एंगल ट्राइंगल से QM का मान हो गया R प्लस डेल्टा R साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसमें भी अगर हम छोटे मानों की बात करें तो साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा थीटा होगी और ये रख के हम जब लिमिट का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया आर डी थीटा बाई डी टी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू हो गई V इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो होगी रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर यानी आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब यदि हम ये माने कि वेग की जो दिशा है वो ध्रुवांतर रेखा से कोण अल्फा बनाए तो हमारे पास फॉर्मूला है टेन अल्फा बराबर अनुप्रस्थ वेग अपॉन अरीय वेग यानी आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट और इससे हमें प्राप्त होता है आर डी थीटा बाय डी आर और आर डी थीटा बाय डी आर यानी टेन फाई। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की दिशा होगी वह अल्फा इज इक्वल टू फाई डायरेक्शन में होगी, अर्थात वेलोसिटी की दिशा पी बिंदु पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष होगी या यूं कहें कि स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अब हम आते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पर। चित्रानुसार फिर हमारे पास किसी समय टी पर बिंदु की स्थिति पी बिंदु पर है, किसी समय टी प्लस डेल्टा टी पर बिंदु की स्थिति पार्टिकल की स्थिति क्यू बिंदु पर है और निर्देशांक जैसा कि हमने पहले माने थे पी के निर्देशांक आर थीटा और क्यू के निर्देशांक आर प्लस डेल्टा आर क्यू प्लस डेल्टा थीटा। ओपी की दिशा में अरीय वेग हमने यू माना था और ओपी के लंबवत अनुप्रस्थ वेग हमने वी माना था। अब हमें त्वरण लेना है, त्वरण यानी वेग में परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि जो ओ क्यू ध्रुवांतर रेखा है क्यू बिंदु के इस तरफ अरीय वेग हम
या यूँ कहें कि अरीय वेग में परिवर्तन होके ये यू प्लस डेल्टा यू हो जाता है और उसके लंबवत क्यू बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में वेग वी प्लस डेल्टा भी है। तो सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो परिभाषा हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेलोसिटी अलोंग ओपी, यानी ओपी की दिशा में अरीय वेग में परिवर्तन की दर, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वेलोसिटी एट क्यू माइनस वेलोसिटी एट पी अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी एट क्यू माइनस वेलोसिटी एट पी वेलोसिटी के डिफरेंस को दर्शाता है और ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएं तो पहले वेलोसिटी एट क्यू की बात करें ओपी की दिशा में तो हमें एक ओक्यू का कंपोनेंट ओक्यू की दिशा वाला कंपोनेंट लेना है और एक ओक्यू के लंबवत दिशा वाला कंपोनेंट लेना है। तो हमारे पास रिजल्ट है यू प्लस डेल्टा यू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा। ये वेलोसिटी एट क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेलोसिटी एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी यू है। यहाँ हम फिर कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा का फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है यू प्लस डेल्टा यू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ डेल्टा थीटा, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं। स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा थीटा हो जाएगी, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बचता है डी यू बाई डी टी माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। यू यानी रेडियल वेलोसिटी अरीय वेग एंड वी यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग, इन दोनों के मान जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी रेडियल एक्सेलरेशन अरीय त्वरण का मान हमें प्राप्त होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करें तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यानी अनुप्रस्थ वेग, इसकी परिभाषा हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, अर्थात रेडियस वेक्टर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वेग में परिवर्तन की दर। फिर हम परिभाषा का उपयोग करें तो वेग में परिवर्तन को हम इस तरह लिख सकते हैं वेलोसिटी एट क्यू माइनस वेलोसिटी एट पी, यानी क्यू पर वेग माइनस पी पर वेग। फिर हम लंबवत दिशा का कंपोनेंट लें तो हमारे पास है यू प्लस डेल्टा यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस वी, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा को हम कॉस ऑफ डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। फिर हम स्मॉल वैल्यूज़ का उपयोग करें तो साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा थीटा और कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू 1, बाकी टर्म्स एज इट इज़, और यहाँ फिर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमें प्राप्त होता है यू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। यहाँ फिर हम यू और वी का मान रखें तो हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वन अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, और यही हमारा अनुप्रस्थ त्वरण है जिसका सूत्र हमें ये प्राप्त हुआ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिया हुआ है द रेडियल पूछा है द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा, फाइंड इट्स पाथ एंड शो दैट इट्स रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली दिस, अर्थात अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग हमें किसी कण के लैम्डा आर और म्यू थीटा दिया हुआ है, हमें उसके पाथ की समीकरण निकालनी है और उसके अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण के ये मान प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो वेलोसिटीज़ दी रखी हैं, हमें एक तो रेडियल वेलोसिटी दे रखी है एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी दे रखी है। रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा r डॉट और दिया हुआ है लैम्डा r, तो r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा r r, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला है r थीटा डॉट और उसकी वैल्यू दे रखी है म्यू थीटा, तो r थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा, एक समीकरण हमें ये प्राप्त हो गई, इसको एक समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है वन अपॉन आर डी ए डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू लेमडा आर अपॉन म्यू थीटा। अब यहाँ हम वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास रिजल्ट है डी आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू डी थीटा बाई थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास रिजल्ट है वन अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई म्यू लॉग थीटा प्लस सी, जहाँ सी जो है वो समाकलन का स्थिरांक है और यही हमारी पाथ की समीकरण है।
अब एक्सेलरेशन ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो अरीय त्वरण है उसका फॉर्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आर डबल डॉट के लिए हमें पहले आर डॉट को एक बार और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब समीकरण एक जो कि हमें दी हुई है आर डॉट इज इक्वल टू लैम्डा आर, इसको जब हम एक बार और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आर डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा आर डॉट। यहाँ फिर आर डॉट की वैल्यू रखें तो आर डबल डॉट का मान प्राप्त हो जाता है लैम्डा स्क्वायर आर। अब रेडियल एक्सेलरेशन में हम ये समीकरण एक और दो से मान रखें तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर का मान लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर इंटू म्यू थीटा बाय आर का होल स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसी तरह ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वन अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, और यहाँ हम थीटा डॉट की वैल्यू समीकरण नंबर दो से रखेंगे और फिर हम यहाँ एक बार और डिफ्रेंशिएट करके सारे मान जब हम रखेंगे तो हमें यहाँ भी जो रिज़ल्ट हमें पूछा गया है वो प्राप्त हो जाता है।